दोस्तों, आज हम आपको दिखा रहे हैं कि जो पशु हीट में आता है उसकी पहचान क्या होती है। सबसे पहले आप ये देख रहे हैं कि इसके पीछे एक डिस्चार्ज हो रहा है गाय के पीछे, और बिल्कुल प्योर क्लियर है शीशे की तरह। जब ऐसा डिस्चार्ज पशु करता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो हीट में हीट उसकी शुरू हो चुकी है। ये देखिए, ये गाय जो है ये खुल के डिस्चार्ज कर रही है, और आज ये इसकी हीट जो है वो शुरू हो चुकी है। अब इसकी दूसरी निशानी क्या होती है कि इसको मैं जैसे ही खोलूँगा इसकी रस्सी, ये दूसरी गाय के ऊपर जंप करेगी। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये जंप करेगी। तो दोस्तों, ऐसी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ होता है कि हम जो जानकारी है वो साझा कर सके। ऐसी वीडियो बनाने का कोई भी गलत मकसद नहीं होता। सो अब जो भाई नए नए इस काम में आए हैं उनको इससे पता चल जाएगा कि निशानी क्या होती है जो पशु हीट में आता है। देखिए, एक अच्छे डेयरी फार्मर को कामयाब होने के लिए सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि पशु को ये हीट में आने की निशानी क्या होती है। अगर फार्मर को ये पहचान है तो वो फार्मर आसानी से कामयाब हो सकता है। अगर किसी को पहचान ही नहीं है तो वो कामयाब कैसे होगा, क्योंकि वो हीट नहीं पहचान पाएगा। हीट नहीं पहचान पाएगा, गाय की हीट मिस हो जाएगी, भैंस की हीट मिस हो जाएगी, और जो उसकी ब्रीडिंग टाइम है वो निकल जाएगा। सो इसलिए हीट की पहचान होना हमें पूरी तरह से आना चाहिए। इसके अलावा कई बार क्या होता है, जो गाय होती है या भैंस होती है वो साइलेंट हीट में भी आती है। मतलब ज़रूरी नहीं कि हर बार वो आपको ये डिस्चार्ज दिखाएगी, और लेकिन जो जंप करना उसकी सबसे मेन पहचान होती है, जंप करती है। और कई बार गाय भैंस जो है ऊंची आवाज़ में बोलती है, सो उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो अच्छी लगेगी। और ये जो जानकारी इस वीडियो में है वो हम दूसरों के साथ भी साझा करेंगे, दूसरों के साथ भी शेयर करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि हमने कोशिश की है कि जो नए डेयरी फार्मर जुड़ रहे हैं या जो भाई नया काम शुरू करने जा रहे हैं, सबसे पहले उनको ये जानकारी हो कि पशु की हीट कैसे चेक करते हैं। तो इस वीडियो का मेन मकसद यही है कि हम आप तक ये मैसेज पहुंचा पाएं कि पशु की हीट के सिम्टम क्या होते हैं। धन्यवाद दोस्तों, गुड बाय।